हमें हमेशा जो है अपने अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने कौम के अंदर, अपने लोगों के दरमियान हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते रहना चाहिए, अच्छाई की तरफ जाते रहना चाहिए, इस्लाह की तरफ जाते रहना चाहिए। इससे कोई बहस नहीं है। मैंने कहा कि दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं कह सकता। हर जगह कुछ अच्छाइयाँ पाई जाती हैं और कुछ बुराइयाँ पाई जाती हैं। तो मैंने जो आज आपके लिए इसी सिलसिले में कि भाई इस्लाह करना है या नहीं करना है, इस्लाह करना है, कोई इनकार ही नहीं है कि इस्लाह नहीं करना है, और सबसे बड़े इस्लाह के तो हम ही दावेदार हैं, इसलिए कि मौला हुसैन जब करबला की तरफ गए हैं तो मदीने से निकल रहे थे तो ये कह के रहे निकल रहे थे कि मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे दौलत इकट्ठा नहीं करना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे खराबी नहीं चाहिए, मैं तो निकला हूँ कि जो दीन मेरा नाना लाए थे उसको बदला जा रहा है, उसको ख़राब किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा, मैं चाहता हूँ इसकी इस्लाह कर दूँ। तो इस्लाह का सबसे बड़ा पैगाम जो उसने दिया है सारी दुनिया में वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज कोई इनकार नहीं कर सकता है इस बात का कि इस्लाह जो सबसे ज़्यादा है, इस्लाह की कोशिशें की है वो हमारे इमामों ने की है। किसी भी ज़माने में रसूलुल्लाह से लेकर 250 साल की तारीख देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो कोशिश की है ना वो हमारे इमामों ने की है।